ओनर से छोटा कोई भी पर्सन अगर साउथ वेस्ट के बेडरूम में रहेगा तो वो दीजिए। इसीलिए दिस रूम शुड नॉट बी गिवन टू द किड्स, दिस रूम शुड नॉट बी गिवन टू द एम्प्लॉयज, दिस रूम शुड नॉट बी गिवन टू द सबॉर्डिनेट्स, यंगर पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं है पता लगा कि पेरेंट्स तो इधर चलेगा और बच्चों को इधर सुला दिया, जो यहाँ सोएगा वही आपको डोमिनेट करना शुरू कर देगा, जो बैठेगा या सोएगा। इसीलिए यहाँ पर बच्चों को या किसी को ऐसे पर्सन को नहीं देना चाहिए, इतने वो डोमिनेट करेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे इतनी हाई एनर्जीज होती हैं कि वो डिस्टर्ब हो, खुद भी डिस्टर्ब होगा और पूरे घर के लिए, पूरे बिजनेस के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से आप उसको एटर्नी को सबको हटा देते हैं। नाउ कम्स अबाउट द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज द डायरेक्शन विच इज मेंट फॉर विश फुलफिलिंग, इसको हमारी विश फुलफिलिंग की डायरेक्शन भी बोलते हैं। आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा टिप दे रहा हूँ, लेकिन वो टिप इतना प्यारा और इतना इफेक्टिव है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते 21 दिन तक। 21 दिन के बाद सिंसियर प्रैक्टिस करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आपको अगर कोई भी अपनी जेन्युइन विश आपको पूरी करनी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनजेन्युइन विश कि मुकेश अंबानी की जगह बैठो तो इनजेन्युइन है, लॉजिकल विश जो आपको लगता है पूरी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे बैठ के अगर आप उसको बोलना शुरू कर देते हो, बेस्ट डायरेक्शन में बैठ के अगर आप उसको बोलना शुरू कर देते हो तो आपकी विश पूरी होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बैठ के वो विश वो बोलनी है, क्योंकि थोड़ा डीपर उसमें है। इस डायरेक्शन का जो कनेक्शन होता है सीधा यूनिवर्स से होता है, ठीक है। यूनिवर्स से कनेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो भी यहाँ पे बात बोली जाती है वेस्ट डायरेक्शन में वो सीधी ऊपर जाती है और वो पूरी होती है। आपको अपनी कोई भी जेन्युइन विश है, कोई प्रॉब्लम लग रही है लाइफ में, कोई इशू है आपको लगता है कि सही होना चाहिए, अगर आप उसको बोलते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो बेस्ट डायरेक्शन इसलिए बहुत विश फुलफिलिंग की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी वो होती है। एक और टिप मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अपनी पूरी इच्छा करनी है, यू टेक अ पीस ऑफ येलो पेपर, पीले रंग का एक गोल पेपर लीजिए, राउंड, ठीक है, राउंड, हाँ, एंड यू राइट योर विश विद ब्लू पेन ओवर इट। आपको अपनी इच्छा उसके ऊपर लिखनी होती है, जो भी आपकी इच्छा है। इच्छा लिखने का तरीका होता है, इच्छा लिखने का तरीका ये है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको एग्जाम क्लियर करना है, कोई भी एग्जाम है आपको क्लियर करना है, तो एक तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली कहते हैं मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, प्रेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये पूरा हो जाए, मैं एग्जाम क्लियर कर लूँ, मैं अच्छे से क्लियर कर लूँ, हमारा जनरल तरीका ये होता है ना। आपको इस तरीके को सिर्फ चेंज करना है, आपको ये करना है कि मेरा 12th का एग्जाम सच एंड सच परसेंटेज से क्लियर हो गया है, थैंक यू, थैंक यू, आपका धन्यवाद है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसको मानते हो उनका नाम लिखो या मत लिखो, थैंक यू लिखे कि मेरा ये एग्जाम 93% 95% से क्लियर हुआ, थैंक यू, और वो लिख के आप इस डायरेक्शन में लगा देते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो विश फुलफिल होने में जेन्युइन विश आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये है बेस्ट डायरेक्शन का। दूसरा, यहाँ पे आप डाइनिंग रूम बना सकते हैं, आप यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक, पानी की टंकी आप यहाँ भी रख सकते हैं, बच्चों का कमरा भी यहाँ पे बन सकता है, स्टडी रूम भी यहाँ बन सकता है, और यहाँ पे क्या है, सेप्टिक टैंक जो टॉयलेट का टैंक होता है वो भी आप बना सकते हैं, हालांकि अवॉइड करना चाहिए, पर्सनली आई डोंट वांट टू मेक सेप्टिक टैंक ओवर हियर, लेकिन इफ़ यू विश बना सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड कराता हूँ क्योंकि मैं वेस्ट में कोई भी एंटी एक्टिविटी नहीं चाहता, तो मैं टॉयलेट और सेप्टिक टैंक को मना करता हूँ कि टॉयलेट और सेप्टिक टैंक यहाँ नहीं बना सकते। एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर कभी भी शू रैक मत रखना वेस्ट में, अगर शू रैक है तो आपकी प्रोग्रेस डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, अगर आप शू रैक रखते हो तो आपकी प्रोग्रेस डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। शू रैक और डस्टबिन वेस्ट में कभी नहीं रखना चाहिए। देन कम्स नॉर्थ वेस्ट में यू कैन कीप जो आपके जो हमारा राशन खाने पीने का सामान रहता है, ग्रॉसरी दैट कैन बी कैप्ट ओवर हियर, काउ शेड